उत्तराखंड के अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति ने अपनी 20 सूत्रीय मांगों को लेकर विभागों में जाकर जन जागरण और गेट मीटिंग की शुरुआत की गई है। वहीं समिति के अध्यक्ष सोहन सिंह रावत ने बताया कि 20 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन की शुरुआत हो गई है। पदाधिकारियों विभागों में जाकर अधिकारियों कर्मचारियों को जागरूक किया जा रहा है ताकि उनकी जो भी 20 सूत्रीय मांगे हैं जल्द से जल्द पूरी हो सके। वहीं संयोजक सचिव संजय नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि 15 सितम्बर तक जग जागरण अभियान भी चलाया जाएगा। पौड़ी से मुकेश पच्छेती की रिपोर्ट। आज 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक जन जागरण अभियान कराया है और मेन इसका मुख्य उद्देश्य जो हमारे 20 सूत्रीय कार्यक्रम है, अभी अभी राज्य सरकार द्वारा घोषणा की गई है भारत सरकार की तरह कि डाउनग्रेड में वेतनमान किया जाएगा। पहला था हमारा विरोध, दूसरा हमारा ये है कि हमारे एनपीएस के कर्मचारी हैं, पूरे अन्य राज्यों में एनपीएस के कर्मचारी पेंशन बहाली हो चुके, पूर्व पेंशन उनको मिलने वाली है। इस कार्यक्रम में आप जैसे देख रहे हैं कि सरकार ने जहाँ एक तरह कर्मचारियों के ग्रेड पे बढ़ाने की बात करनी चाहिए थी, वहाँ एक दुर्भाग्य की बात हमारे प्रदेश के लिए कि डाउनग्रेड पे इसका वो इसका जारी कर रहे हैं शासनादेश। इसके क्रम में हमारे प्रांत एक हमारे जनपदों के लिए एक कार्यक्रम भेजा गया है जिसमें 1 तारीख से लेकर और 15 तारीख तक हमारा जो है समस्त कार्यालय में ग्रेड मीटिंग का आयोजन किया जाएगा।